आज हम बात करेंगे उन सात बेहतरीन भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने ओलंपिक्स में हमारे देश का नाम रोशन किया और हमारे तिरंगे का कद ऊंचा किया। नंबर 7, ये बात उस 15 साल के बच्चे की जिसके गांव को बंटवारे की भनक भी नहीं थी। एक दिन इस गांव में अचानक भीड़ आ जाती है और ये मासूम बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाता है और जब ये अपने घर जाता है तो उसका घर पूरा खून से लथपथ था। उसके पापा उसे कहते हैं भाग मिल्खा भाग। फिर ये लड़का ऐसा भागता है कि इतिहास रच देता है। मिल्खा सिंह ने 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीते थे और 1960 के रोम ओलंपिक के 400 मीटर दौड़ में लगभग ये तय था कि आज तो मिल्खा सिंह गोल्ड लेकर ही आएंगे। लेकिन उनकी एक एंग्जाइटी की वजह से मिल्खा सिंह ने 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया। वे मेडल तो नहीं जीत पाए लेकिन देश का दिल जीत लिया। नंबर 6 पर है मैग्निफिसेंट मैरी कॉम। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी, ये बात मैरी कॉम पर एकदम सटीक बैठती है। एक किसान के घर जन्म लेने वाली इस लड़की ने पूरी दुनिया में भारत देश का और खुद का नाम रोशन किया है। मैरी कॉम पूरी दुनिया में 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली महिला बॉक्सर है। 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। नंबर 5 पर है सुशील कुमार। सुशील कुमार इंडिया के उन खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने रेसलिंग को सही मायनों में एक नई पहचान दिलाई और साथ ही उन्होंने देश के लिए कई मेडल्स भी जीते। जैसे उन्होंने 2008 के बीजिंग और 2012 के लंदन ओलंपिक में कुश्ती में क्रमश से ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीता। नंबर 4 पर है पीवी सिंधु। किसी ने क्या खूब कहा है, यूं ही नहीं मिलती राह को मंजिल, एक जुनून की आग दिल में लगानी होती है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है बार बार। पीवी सिंधु ने भी तिनका तिनका करके अपनी जिंदगी जीती और 8 वर्ष की उम्र से ही सिंधु ने बैडमिंटन को अपना करियर बनाने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और 2016 के रियो ओलंपिक्स में उन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारतीय बैडमिंटन को एक नई पहचान दिलाई। नंबर 3 पर है नीरज चोपड़ा। दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है या फुटबॉलर कौन है, तो आपके दिमाग में बहुत से नाम आएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे जेवलिन थ्रो या भाला फेंकने के बारे में पूछूं तो आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा, वो होगा नीरज चोपड़ा। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा और कई वर्षों बाद हमारा तिरंगा सबसे ऊंचा लहराया और हमारा राष्ट्रगान गाया गया। वो फीलिंग क्या फीलिंग थी। नंबर 2 पर है अभिनव बिंद्रा। 1980 के बाद करीबन 27 सालों तक इंडिया को कोई मेडल नहीं मिला था, लेकिन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में एक मैजिक हुआ और वो मैजिक किया अभिनव बिंद्रा ने। उन्होंने 2008 के ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताकर हमारे तिरंगे को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया और उन्होंने एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। उन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय खेलों को एक नई दिशा दी थी। नंबर 1 पर है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। बात है 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स की जो जर्मनी में खेले जा रहे थे। 4 अगस्त के दिन हॉकी का फाइनल मैच होने वाला था। जर्मनी और इंडिया आमने सामने थे। मैच बड़ा टक्कर वाला था लेकिन इंडिया ने फर्स्ट हाफ में 1-0 की लीड ले ली। लेकिन ये तो ट्रेलर था, मैच अभी बाकी था। जर्मन्स ने इंडिया को हराने के लिए पिच को ज्यादा ही गीला कर दिया ताकि इंडियंस टिक ना सके, तो मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते उतारे और एक के बाद एक 7 गोल करके जर्मनी को बुरी तरह हरा दिया। तो जर्मनी के उस समय के तानाशाह हिटलर ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, क्या दिया है तुम्हारे देश ने तुमको, जर्मनी की टीम ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे देश से बढ़िया पोजीशन दूंगा, तुम बहुत आगे जाओगे। उन्होंने जो कहा वो सुनकर आपको ध्यानचंद जी पर बहुत गर्व होगा। उन्होंने कहा, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे देश को मैं आगे बढ़ाऊं। उन्होंने लगातार 3 बार ओलंपिक मेडल दिलाए 1928, 1932 और 1936 में। ध्यानचंद की हॉकी स्किल्स का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों इन जाबाज खिलाड़ियों के लिए एक लाइक तो बनता है और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड लास्ट एंड फाइनल, जय हिंद जय भारत।